नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका कैदियों को छोड़ने से संबंधित आर्टिकल है। जो कोरोना वायरस की वजह से जो संक्रमण फैल रहा है, इसी के विषय में आपका कैदी मुक्ति से संबंधित है। तो चलिए इसके सभी मुद्दों पर हम लोग यानी कि सभी पक्षों पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपकी सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूँ आपके सब सभी जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। मुंबई सेंट्रल जेल में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के बाद महाराष्ट्र सरकार की द्वारा जारी एक परिपत्र राज्य की जेलों में बंद आधे कैदियों की अस्थायी जमानत और आपातकालीन पैरोल पर प्रभावी ढंग से रिहाई की सुविधा प्रदान की गई। 14 मई को लक्षित 17,000 से अधिक कैदियों में से लगभग आपके 7,000 को रिहा कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा कि मुंबई सेंट्रल जेल में जो कैदी बंद हैं, उनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो एक जगह सबको रखना सही बात भी नहीं थी। इस कदम के बारे में चर्चा करें तो पिछले कई दिनों में 184 व्यक्ति यानी कि 158 कैदी और 26 कर्मचारी जेल में संक्रमित पाए गए। इसके अलावा बाइकुला जेल में आपके एक 54 वर्षीय महिला कैदी भी थी। हालांकि इसके बाद सर्कुलर आया। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों को बंद करने का निर्देश दिया था और कहा था कि कड़वी सच्चाई यह है कि हमारी जेलें अत्यधिक भीड़भाड़ वाली रही हैं। रे तो आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी जेलों में जितने कैदियों की जगह है उससे दोगुने तिगुने भर दिए जाते हैं उसमें, जिससे कैदियों के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। कई महाराष्ट्र जेलों में अत्यधिक भीड़ वाली भाड़ के साथ कैदियों की संख्या जेल क्षमता से 4 से 5 गुनी, कितनी, 4 से 5 गुना अधिक भरे हुए हैं। 25 मार्च को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 7 साल तक की सजा वाले अपराधों के आरोपों को जारी करने की सिफारिश की। इसने कुछ शर्तों के साथ आपातकालीन पैरोल पर दोषियों की रिहाई का भी निर्देश दिया। 28 मार्च को जिला विधिक न्याय सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने उपक्रमों को जारी करने की सुविधा शुरू की है। पर आपका 8 मई को जेल में प्रकोप के बाद राज्य सरकार ने महाराष्ट्र जेल यानी कि मुंबई फार्लो और पैरोल नियमों में संशोधन किया और एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कुछ श्रेणियों के दोषियों की रिहाई को सक्षम किया गया है, यानी कि उन्हें छोड़ने की पैरोल की गई है। वर्तमान स्थिति की बात करें हम लोग तो सोमवार को प्रस्तुत कारागार विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च और 8 मई को फैसले के परिणाम स्वरूप 5,105 कैदियों को पहले ही रिहा कर दिया गया था। अन्य 3,017 रिहा होने की प्रक्रिया में थे और आगे 9,520 को रिहा किया जाएगा। 14 मई पहले से जारी संख्या 5,200 अस्थायी जमानत पर और आपके 1,800 आपातकालीन पैरोल पर थी। सरकार का आदेश सभी उपक्रमों की रिहाई के लिए था, जिसमें आप 7 साल तक की कैद की सजा पाने वाले वालों की पूर्व श्रेणी को शिथिल किया गया था, लेकिन अपवादों के साथ जिनमें हत्या, बलात्कार, अपहरण, बैंक धोखाधड़ी, प्रमुख वित्तीय घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, एंट्री आतंकी कानून, बाल यौन शोषण सम्मिलित था। यह भी कहा गया कि राज्य के बाहर रहने वाले कैदियों को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होने के बाद ही रिहा किया जा सकता है। यह रिलीज अस्थायी है, यानी कि ने कभी भी जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि जेल में रख दिया जाएगा। स्थायी इनकी पैरोल नहीं है। प्रारंभ में जमानत और पैरोल दोनों केवल 45 दिनों के लिए वैध हैं, या जब तक राज्य से महामारी रोग अधिनियम के आवेदन को निरस्त नहीं किया जाता, जो भी पहले हो इसमें से 45 दिन की अवधि के बाद
में प्रत्येक 30 दिनों के ब्लॉक में बढ़ाया जाएगा, लेकिन अंततः कैदियों को बैरक में वापस जाना चाहिए था। बात करते हैं देर से रिलीज करने का कारण क्या है। जब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और कैदियों की पहचान की गई, पहले की तरह जमानत या पैरोल प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जमानत आदेश संबंधित अदालत द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जबकि पैरोल को अधिकृत जेल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। भले ही उन्हें रिहा करने का निर्णय लिया गया हो, लेकिन कैदियों को नामित अदालतों में जमानत के आवेदन भेजने होंगे। पात्र कैदियों का चयन, उनके रिकॉर्ड का सत्यापन और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में समय लगता है। जेल के अधीक्षक को पैरोल देने के लिए अधिकृत किया जाता है और वहाँ भी एक प्रक्रिया का पालन किया जाना है। कुछ कागजी कार्रवाई की जाएगी इसमें। रिहाई की प्रक्रिया को एक और बाधा का सामना करना पड़ा। यह ऐसे समय में शुरू किया गया था जब आपका लॉकडाउन प्रतिबंध सबसे गंभीर थे। रिहा किए गए कैदियों के पास विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। कुछ गैर लाभकारी संगठन लातूर जैसे कुछ जिलों में मदद के लिए आगे आए। कुछ कैदी सड़कों पर घूमते पाए गए। पुणे में एक विचाराधीन कैदी की हत्या लोगों के एक समूह द्वारा की गई थी। पुरानी दुश्मनी संदिग्ध थे। मुंबई में एक विमुक्त महिला कैदी पालघर में अपने घर नहीं पहुंच सकती थी और एक अन्य कैदी द्वारा एक रात के लिए महिला जेलर को आश्रय दिया गया था। नए जारी किए गए उसे अपने साथ घर ले जाने की पेशकश की। बात करते हैं भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में। आपराधिक न्याय उन लोगों के लिए न्याय का वितरण है जिन्होंने अपराध किए। आपराधिक न्याय प्रणाली सरकारी एजेंसियों और संस्थानों की एक श्रृंखला है। लक्ष्यों में अपराधियों का पुनर्वास, अन्य अपराधों को रोकना और पीड़ितों के लिए नैतिक समर्थन शामिल है। आपराधिक न्याय प्रणाली के प्राथमिक संस्थान पुलिस, अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील, अदालत और जेल हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? कानून प्रवर्तन एजेंसियां, आमतौर पर पुलिस आपकी, न्यायालयों और साथ में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील। तीसरा है जेलों और पर्यवेक्षा एजेंसियों, जैसे अपराधियों को हिरासत में रखने उनकी देखरेख करने वाली एजेंसियां। आपराधिक न्याय प्रणाली में ये विशिष्ट एजेंसियां समाज के भीतर कानून के शासन को बनाए रखने के प्रमुख साधन के रूप में एक साथ काम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग समय की मांग। अभी समय की मांग क्या है? यह तथ्य उचित है कि समय पूर्व कैदियों की रिहाई कहीं ना कहीं आपराधिक न्याय प्रणाली को नहीं मानती, परंतु आपात स्थिति में कुछ कदम उठाने होते हैं। परंतु भारतीय जेलों में अधिक भीड़ भारत में कारागार सुधार की आवश्यकता को जन्म देता है, जिस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो ये थी आपका आर्टिकल कैदियों को मुक्त करने से संबंधित, यानी कि उन्हें रिहा करने से संबंधित। ठीक है।